तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देख रहे हैं स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप। ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये डोजी का ही एक्सटेंडेड फेस है। डोजी जहां पर ओपन होती है वहां पर ही क्लोज होती है, यानी नो बॉडी, बॉडी ही है नहीं। पर स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, एक छोटी बॉडी होती है, एक छोटी बॉडी होती है जो कि मीनिंगलेस है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। जैसे डोजी कंफ्यूजन क्रिएट करती है वैसे ही स्पिनिंग टॉप की बॉडी भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और लेट से हम स्पिनिंग टॉप समझते हैं, लेट से ओपन होता है 100 रुपए पे, क्लोज होता है 110 रुपए पे, तो बॉडी टोटल हुआ, बॉडी का जो साइज हुई वो हुई 10 पॉइंट की। इसके सामने जो शैडो बनती है वो होती है दुगनी, बॉडी के डबल होती है। तो लेट से बॉडी अगर 10 है तो क्लोज 110, बॉडी डबल हो गया, मतलब बॉडी का डबल शैडो है तो 20 पॉइंट का शैडो हुआ। तो 110 प्लस 20 हाई पॉइंट मिला हमें 130, वैसे ही लो पॉइंट मिला हमें 80। तो इस तरीके से स्पिनिंग टॉप का कैंडल हमें दिखता है, इस तरीके से स्पिनिंग टॉप का कैंडल हमें दिखता है। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है स्पिनिंग टॉप का। प्रैक्टिकली चार्ट्स पर शैडो कम ज्यादा हो सकती है, पर इसका एक की क्राइटेरिया है कि बॉडी छोटी होनी चाहिए। शैडो को हम लोग टॉलरेंस लेवल देख सकते हैं। स्पिनिंग टॉप में जो कलर होते हैं, मतलब बुल स्पिनिंग टॉप और बेयर स्पिनिंग टॉप, इसके मायने हैं, इसका मीनिंग है और इसका इंटरप्रिटेशन बदलता है। लेट से अपर ट्रेंड में ग्रीन स्पिनिंग टॉप आता है तो इसका मीनिंग अलग हो गया, अपर ट्रेंड में रेड स्पिनिंग टॉप आया तो इसका मीनिंग और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्पिनिंग टॉप और रेड स्पिनिंग टॉप को देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ग्रीन स्प्रिंग टॉप में क्या होगा, ओपन जो रहेगा वो नीचे रहेगा, क्लोज जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। लेट से ये 100 रुपए का था, क्लोज है 120 रुपए का, तो 20 पॉइंट की बॉडी हुई। तो उसके सामने जो शैडो है वो दुगनी हुई, तो हाई पॉइंट हुआ 160 रुपए का, 160 रुपए का हाई पॉइंट हुआ। और लो पॉइंट कितना हुआ, 40 माइनस कर देंगे तो 60 रुपए का। तो लो हुआ 60, हाई हुआ 160, क्लोज 120, ओपन 100। तो देखेंगे लो से लेकर तो हाई टोटल 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है लो से लेकर हाई। पर जो बॉडी बनी है वो केवल 20 पॉइंट की बनी है। तो ये जो बेयर साइड में और बुल साइड में जो मूवमेंट हुई ये दिन भर में वेस्ट हो गई, क्योंकि कंफ्यूजन है बुल साइड में और बेयर साइड में। तो ऐसा दिखता है हमें ग्रीन स्पिनिंग टॉप। उसके सामने जो रेड स्पिनिंग टॉप है वो कैसे दिखता है, रेड स्पिनिंग टॉप में बॉडी छोटी है, शैडो बॉडी के दुगनी है, ओपन ऊपर हो गया ऊपर, क्लोज हुआ नीचे। लेट से ये 70 रुपीज का ओपन था और 68 रुपीज का क्लोज है, तो 2 पॉइंट की बॉडी हुई, 2 पॉइंट का बॉडी हुआ। तो 2 पॉइंट की बॉडी हुई तो शैडो हुई दुगनी, तो हाई हुआ 74 और लो हुआ 64। तो याद रखिएगा कि बॉडी जो है वो दुगनी होती है, शैडो जो होती है, माफ कीजिएगा, जो शैडो होती है बॉडी के
हाफ होती है, शैडो दुगनी होती है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेन में अगर हम उसके इसे देखते हैं और डिफरेंट कलर का स्पिनिंग टॉप आता है तो कैसे मीनिंग बदलता है, तो देखते हैं। अगर मान के चलते ये अप ट्रेंड है जो ग्रीन स्पिनिंग टॉप देख रहे हैं, और ये भी अप ट्रेंड है, दोनों अप ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप आती है तो कैसे इसका मीनिंग बदलता है, कैसे इसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है, देख लेते हैं। देखिए, अगर अप ट्रेंड है तो बुल्स के तरफ से डिसीजन होना बहुत ही नॉर्मल है। स्टॉक अगर हाई जाता है तो अप ट्रेंड में कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो। स्टॉक नीचे आता है अप ट्रेंड में तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ट्रेंड जो है अब बदल सकता है क्या। पर बिकॉज ये स्पिनिंग टॉप बना है तो बेयर्स में भी कंफ्यूजन है, जैसे स्पिनिंग टॉप का मतलब ही कंफ्यूजन है, तो जैसे बुल्स में कंफ्यूजन है वैसे ही बेयर्स में कंफ्यूजन है, और बेयर्स जो है ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाता, और इसीलिए बुल्स वापस जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब ये कंट्रोल जो हाथ में लेना है बुल्स का, ये जो कंट्रोल है बुल्स का ऊपर लेना, अपने हाथ में लेना, ये कितना सक्सेसफुल होता है अगर बुल्स ओपन के ऊपर अगर क्लोज कर देते हैं तो बेयर्स का जो अटेम्प्ट हुआ अटैक का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहां पर बेयर्स जो है बुल को पॉजिटिव क्लोज करने से रोकते हैं, और इसका मतलब यह है जो बेयर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है रेड स्पिनिंग टॉप में कंपैरेटिवली ग्रीन स्पिनिंग टॉप में। तो अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम लोग जैसे डोजी कैंडल में डिसीजन मेकिंग कैंडल का इंतज़ार हमने किया था, डिसीजन मेकिंग कैंडल का हमने इंतज़ार किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग का इंतज़ार करेंगे। हमें क्या चाहिए, स्पिनिंग टॉप के बाद में नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल वो स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे, ये जो लो है इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, स्पिनिंग टॉप का जो लो है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, स्पिनिंग टॉप के नीचे का जो लो है उसके नीचे हम लोगों ने क्लोज होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। इस कैंडल को हम लोग डिसीजन मेकिंग कैंडल कहेंगे, इस कैंडल को हम लोग डिसीजन मेकिंग कैंडल कहेंगे। अगर ऐसी कैंडल बन जाती है तो हमें ट्रेड अब लेना है। ट्रेड कहाँ लेंगे हम लोग, बिलो द लो ऑफ स्पिनिंग टॉप का डिसीजन मेकिंग कैंडल, बिलो द लो ऑफ स्पिनिंग टॉप का जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कैंडल बना है उसके पास हम लोग ट्रेड लेंगे। इसको ब्रेक होने के बाद यहां पर स्पिनिंग टॉप का जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कैंडल आता है उसके लो के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे, स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे, स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर। स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और डिसीजन मेकिंग कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। ऐसा ही हम लोग डाउन ट्रेंड में भी देखेंगे। अप ट्रेंड में हम क्या देखेंगे कि जो स्पिनिंग टॉप के बाद में जो डिसीजन मेकिंग कैंडल आए उसके नीचे के लो के नीचे हमने सेल किया, भले वो ग्रीन स्पिनिंग टॉप हो या रेड स्पिनिंग टॉप हो, और जो स्पिनिंग टॉप का हाई है, दोनों स्पिनिंग टॉप रेड और ग्रीन, इसके हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक जगह पर रेड स्पिनिंग टॉप होगा, ठीक है, और एक जगह पर ग्रीन स्पिनिंग टॉप होगा, ठीक है। तो
इसके बाद भी हम लोग डिसीजन मेकिंग कैंडल का जो है वेट करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैंडल कहाँ होनी चाहिए? स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप हाई के ऊपर जो है वो क्लोज होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर हमने क्लोज होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल मतलब थर्ड कैंडल के पर जब ये हाई ब्रेक हो जाता है, ये हाई जब ब्रेक हो जाता है तो हम लोग बाय करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। YouTube के इस माध्यम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए नई वीडियो सीरीज में रोज़ बना रहा हूँ। पूरी ट्यूटोरियल देखने के लिए और नोटिफाइड होने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए। आपका ट्रेडिंग करियर बहुत प्रॉफिटेबल हो, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जुड़े रहिए GEPL Capital के साथ में।